किसी को रेस नहीं किया कि मुंबई में जो थच्चर इमारतें हैं, ओल्ड एंड डेलेपरेट बिल्डिंग्स हैं, उनकी वो हालत है। अध्यक्ष महोदय, अगर आज आप या आपका कोई मंत्री मेरे साथ आएगा वहां बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करने, अगर वो मेरे साथ दादर से ऊपर चढ़ जाएगा तो बोलेगा वारिस भाई आप नीचे नहीं उतरेंगे, अब क्योंकि उतरेंगे तो बिल्डिंग गिर जाएगी। इस पोजीशन में बिल्डिंग है। अध्यक्ष महोदय, मैं एरिया का प्रतिनिधि होने के बाद ऐसा लगता है मुझे पता है कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है, पर मेरे हाथ बंधे हुए। क्यों? सरकार जो अध्यक्ष महोदय रिपेयर फंड देती है, अगर 3 लाख के ऊपर हो गया टेंडरिंग में चला जाता है। इसके लिए अध्यक्ष महोदय हमको महीनों महीने वेट करना पड़ता है, और रिपेयर फंड इनफ नहीं है। हमने 1000 मरतबा कहा कि आप जो बिल्डिंग के लिए रिपेयर फंड्स देते हो उस फंड्स में बढ़ोतरी करिए, फंड्स को बढ़ाइए। 3 लाख में अध्यक्ष महोदय रिपेयर नहीं होता। 100 साल पुरानी झज्जर इमारतें अगर उनको रिपेयर करना है तो सरकार को सबसे पहले तो अपनी नीति चेंज करनी पड़ेगी, अपनी पॉलिसियों में सुधार लाना पड़ेगा, बदलाव लाना होगा कि हम फंड को इंक्रीज करें ताकि वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनकी जान की परवाह कर सके। अध्यक्ष महोदय, होता क्या है जब बिल्डिंग गिर जाती है तब हमारे मंत्री चले जाते हैं वहां, देखते हैं, इंक्वायरी बढ़ जाती है, कंपेंसेशन दिया जाता है, एफआईआर फाइल होता है, मगर उसके बाद फिर सब होता वही। इसको रोकना है कहीं ना कहीं तो इंसान को सबसे पहले सरकार को लोगों की जान की परवाह करनी पड़ेगी। मरने के बाद कॉम्पेंसेशन मत दो, पहले कोई ऐसी नीति बनाओ, पहले कोई ऐसी पॉलिसी लाओ जिससे उसकी मौत नहीं हो, पहले कोई ऐसी पॉलिसी लाओ। अध्यक्ष महोदय चाहे तो कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज जो बिल्डिंगें नहीं बन रही है उसका कारण भी ये है। प्रकाश मेहता साहब यहां बैठे हैं, जानते हैं कि 6 मीटर का जो कानून आया है सुप्रीम कोर्ट से, उसकी वजह से अध्यक्ष महोदय क्या हो गया, काफी बिल्डिंगों का डेवलपमेंट रुक चुका, क्योंकि उनके पास 6 मीटर के बियॉन्ड जाने की जगह नहीं है। पुरानी बिल्डिंग है, आपको मालूम है, उसमें कंपाउंड और गेट तो होते नहीं थे। ऐसी बिल्डिंगों के लिए सरकार एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करे, पूरा वहां पर क्लस्टर डेवलपमेंट का जो आप इंसेंटिव देते हैं उसमें कुछ सुधार लाए कि अगर जो लैंडलॉर्ड या बाजू की बिल्डिंग का टेनेंट परमिशन नहीं दे रहा तो सरकार को उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि तुम्हारे कंसेंट नहीं देने की वजह से आज दूसरे लोगों की जान रिस्क पे है। कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है, कभी भी कुछ हो सकता है। अगर सरकार ने ये स्टेप नहीं लिया तो अध्यक्ष महोदय मैं कहूंगा कि घाट के ऊपर तो सिर्फ एक झांकी है, पूरा मुंबई इलाका अभी बाकी है। ये कंडीशन है अध्यक्ष महोदय पूरे मुंबई शहर की बिल्डिंगों की। 100 साल 125 साल पुरानी बिल्डिंग है। कोई भी पार्टी का लीडर हो, कोई भी कॉर्पोरेट हो, चाहे कांग्रेस का हो, शिवसेना को, MIM का हो, अध्यक्ष महोदय सरकार को उसमें रियायत नहीं दिखानी चाहिए। जो कोई भी इन्वॉल्व है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मुंबई एक फाइनेंशियल कैपिटल हब ऑफ द कंट्री कहा जाता है। 34,000 करोड़ का यहां का सालाना बजट है BMC का। मैं पूछना चाहता हूं उस बजट के बारे में कोई अकाउंटेबिलिटी है? अध्यक्ष महोदय, कुछ कॉन्ट्रैक्टरों को अरेस्ट किया, जेल में डाला गया, जैसा भी अस्तम शेख ने कहा कि वही कॉन्ट्रैक्टर बाहर आते हैं अपने नाते वाइक अपने रिलेटिव के नाम पे वापस टेंडर निकालते हैं और फिर से वही होता है। अध्यक्ष महोदय, बीच में हमने अखबार में पढ़ा कि क्या हो रहा है वहां पर, जब टेंडर आप डालते हो कॉन्ट्रैक्टर कमीशन एजेंट स्टैंडिंग कमेटी जो कॉरपोरेशन की एक बहुत जवाबदार कमेटी है, अध्यक्ष महोदय उसके चेयरमैन उसके लोग सब मिले हुए हैं, सबका कमीशन इन्वॉल्व है। अगर जब सबको आप कमीशन ही दे दोगे तो कॉन्ट्रैक्टर रस्ते में बनाएगा क्या? और यही जब पड़े कॉन्ट्रैक्टर जब हमारे देश के बाहर रस्ते बनाते हैं तो आप देखिए दुबई में सिंगापुर में कितनी चिकनी सपाट सड़कें होती है, तो क्यों इंडिया में नहीं, क्यों बम्बे में ऐसी रोड नहीं है? अध्यक्ष महोदय, यहाँ तो जुमले कहे जाते हैं कि यहाँ रोडों पर खड्डे नहीं है, खड्डों के ऊपर रोड को बना दिया गया। अध्यक्ष महोदय, बांद्रा में आप देख लो, जहां वेस्टर्न सबम में ईस्टर्न सबम में देख लो, अध्यक्ष महोदय ऑटो रिक्शा के अंदर प्रेग्नेंट औरतों ने सफर करना छोड़ दिया है क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इतने सारे खड्डे, तो सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपके BMC कमिश्नर साहब है 34,000 करोड़ का बजट जो सेंक्शन किया है तो कहां गया बजट? अध्यक्ष महोदय, एक एक रूपये का हिसाब लिया जाए, एक एक कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया जाए, एक एक स्टैंडिंग चेयरमैन की जो कमेटी के मेंबर है उनको बुलाया जाए, सबसे हिसाब लिया जाए कि तुमको इतना फंड दिया गया था तो फंड कहां यूज हुआ, और अगर वो फंड यूज हुआ तो एक ही महीने में एक ही बारिश में मुंबई की रस्तों की हालत ऐसी क्यों हो चुकी है? अध्यक्ष महोदय, तू इतने बड़े बड़े खट्टे हो गए तो मनीषा ने सही कहा, मुंबई चार तुम्हारा पासा और भरोसा नहीं का बराबर बोला, मुंबई चार रस्ता कैसा गोल गोल आणि ट्रॅफिक सिग्नल कैसा गोल गोल सगळं त्यांनी सांगितलं अध्यक्ष महोदय, तर त्याच्यावर केस टाकायचे, कपिलचं काय सांगितलं तर त्याच्यावर केस टाकायचे, आज वारिस पडाल काय म्हटलं तर अध्यक्ष महोदय मला माहिती आहे उद्या ते लोक मलाही काही नोटीस नाही देत, ते तुमच्या घराच्या बाहेर मॉस्किटो ब्रीड होतात,
मलाही अध्यक्ष होता असं वाटतंय, मलाही असं वाटतंय, असं आपण मराठी बोलतो बरोबर बोलूया, मलाही असं वाटतं अध्यक्ष होते की आज मी इथे बोललो तर काल मलाही त्याला बोला की नोटीस पाठवणार की तुमच्या घराच्या बाहेरही मॉस्किटो बीट होतोय, तर काय भरोसा नाही त्यांचा का त्यांचे दादागिरी आपण बर्दाश्त करत आहात अध्यक्ष होते। इथे 288 दिग्गज एमएलए आहे, शिवसेना असू दे बीजेपी काँग्रेस सगळे सगळे उसूक काय नाही बोलतात अध्यक्ष होते, त्यांच्यावर कारवाई का नाही करतात, आणि कारवाई करून देणार त्याला आतमध्ये टाका, नॉन बिलेबल ऑफेन्स करा, फास्ट ट्रॅक मध्ये त्याच्या कोर्ट चालवा आणि सक्त सक्त कारवाई करून त्याला सजा द्या, त्यालाही त्यांची दादागिरी बरोबर होणार अध्यक्ष होते, नंतर कोणी यावा उचलला त्यांच्यावर तुम्ही केस टाका, नोटीस टाका। काल मी बघितलं प्रकाश मेहता साहेबांनी सांगितलं असं की जागावर जाऊन आम्ही इन्क्वायरी करेल सगळं तुम्ही करा, पण याला बचावण्यासाठी काय पद्धती केली आहे, काय पॉलिसी आहे तुमच्याकडे, काय तुम्ही करणार पूर्वी, फ्युचरच्या सोचा, कारण की सुरक्षा ही तुमच्या सरकारने घेतली आहे। सबका साथ सबका विकास कधी होणार, जब तुम्ही लोकांना सुरक्षा देणार, तुम्ही सुरक्षा कधी द्या लोकांना, तुम्ही सुरक्षा नाही देत। आज जो लोक रात्री झोपतात त्याला असं वाटतं सकाळी उठणार की नाही, कारण की तिच्या पिटलीची हालत अशी आहे, आणि फंड काय देतात कॉन्ट्रॅक्टरला 3 लाखांचा फंड, 3 लाखांमध्ये काय बोल्डिंगचा रिपेअर होता अध्यक्ष मोदी, पणजी नाही बनतात। तर आता मी ज्या एरियामध्ये जातो लोकांना एकच सवाल पुस्तक अध्यक्ष मोदी, वारिस भाई कधी माझ्या बिल्डिंगचा विकास होणार, मी म्हणतो भाई तुझा लेटर टाकला आहे, सरकार जागणार, कॉर्पोरेटर तुझा पास करणार, कलेक्टर पास करणार, कलेक्टर काय पास करतात 3 लाख रुपयांचा फंड, आणि 3 लाख रुपया म्हणजे फंडमध्ये अध्यक्ष मोदी गटरच्याही काम नाही होत, आणि ते लोक बिल्डिंग रिपेअर करण्यासाठी म्हणतात, आणि 100 वर्ष पूर्वीची बिल्डिंग आहे तिथे काय होणार त्या बिल्डिंगच्या। आम्ही अध्यक्ष मोदी कितीही वेळा सांगितलंय सरकारनं तुम्ही काय पॉलिसी आणा, अध्यक्ष मोदी गरजेचे टॉपिक आहे, नाहीतर आपण इथे वाद करून बाहेर जाणार, आपल्याला एक नंतर एक समाचार मिळणार की एक बिल्डिंग तिथे कोसळली। आता दररोज अध्यक्ष मोदी पावसाच्या पूर्वी आम्हाला दररोज असं वाटते सकाळी एक पेपर पडून आज कुठे गिरेल, रस्त्यात कोणी जात असताना झाड गिरतात, आणि बीएमसीच्या कर्मचारी तिथे लिहून देतात की त्या झाड बरोबर कंडिशन मध्ये आहे, ते कोसळणार नाही, सर्टिफिकेट करून देतात, आणि 2 आठवड्यामध्ये तो झाड एका लेडीवर पडतं आणि त्याचे कृत्य त्या ठिकाणीवर होते अध्यक्ष मोदी, आणि बीएमसीच्या कर्मचारी कोणी तिथे जात नाही। 2 दिवसाच्या पूर्वी ते लोक त्याच्या हजबंडनी मला म्हटले अध्यक्ष मोदी, मी नाही सांगतो, मला त्याच्या हजबंडनी म्हटले 2 दिवसाच्या नंतर त्या बीएमसीच्या कर्मचारी तिथे आला, त्याला लिखत दिलं होतं की तो झाड कोसळणार आणि तिथं हानिकारी होऊ शकतंय, पण कोणी काळजी घेतली नाही। तर असे अध्यक्ष मोदी आपला बीएमसी इतका विशाल आहे, 34,000 करोडचा बजेट आहे, आणि अशी स्थिती मुद्दा संपवा अध्यक्ष मोदी, माझ्या सरकारची एक विनंती आहे, एक लास्ट विनंती 2 मिनिटं, एक सरकारची प्रकाश मेहता साहेब आहे, माझी एक विनंती आहे तुमच्याप्रमाणे माननीय मुख्यमंत्री साहेबांसाठी की जी मुंबईची ओल्ड आणि डायलेपेटेड बिल्डिंग आहे, जज्जर इमारत आहे, त्यांना तुम्ही 100 कोटीचा एक पॅकेज द्या, आणि ताबडतोब त्यांचा पूर्ण विकास करा, त्यांच्या रिपेअर आणि परमिशन घ्या, नाहीतर मुंबईमध्ये असा अपघात दररोज होईल, आणि आम्ही सरकारला ठरवणार अध्यक्ष मोदी जिम्मेदार त्यांची जीवनाच्या सर। आभार मानतो। अजय चौधरी अध्यक्ष महोदय, मी